वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। कौन है दीप सिद्धू, कौन है लखा सिंह, लाल किले पर झंडा फहराने वाला शख्स कौन है, दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है, गणतंत्र के गुनाहगार कब होंगे गिरफ्तार, गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा का षड्यंत्र किसने रचा था, पुलिस इसकी तफ्तीश में जुटी है, वक्त के साथ षड्यंत्रकारी हर चेहरा बेनकाब होगा, किसान नेताओं से अलग तीन ऐसे चेहरे हैं जिन्हें दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। नंबर एक दीप सिद्धू, दूसरा लखा सिंह सिधाना, तीसरा जुगराज सिंह। सबसे पहले बात करते हैं दीप सिद्धू की। कौन है दीप सिद्धू? पंजाब के मुक्तसर जिले का रहने वाला दीप सिद्धू पंजाबी फिल्मों में काम कर चुका है। किसान नेताओं ने दीप सिद्धू को ही दंगे का मास्टरमाइंड बताया था। इसी के जवाब में दीप सिद्धू ने एक वीडियो जारी किया और कहा, तुम मुझे गद्दार का सर्टिफिकेट दे रहे हो, लेकिन मैं यहीं खड़ा हूं और मेरे अंदर बहुत कुछ भरा है। अगर मैं बोलने पर आ गया, अगर ये सारा कुछ खोलने पर आ गया तो भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मेरी बात याद रखना, भागने वाले को धरती चाहिए होती है और उड़ने वाले को आसमान, और अब मुझे दोनों चाहिए। दीप सिद्धू साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान गुरदासपुर सीट से प्रचार के दौरान सनी देओल की टीम में शामिल था। दीप सिद्धू के बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के साथ फोटो वायरल हुए हैं। लाल किले में हिंसा के बाद सनी देओल ने ट्वीट करके कहा, मेरा और मेरे परिवार का दीप सिद्धू से कोई रिश्ता नहीं है। दीप सिद्धू किसानों को समर्थन देने के लिए प्रदर्शन में शामिल हुआ था। इस बीच बहुत से किसानों ने दीप सिद्धू का आंदोलन का हिस्सा बनने का विरोध किया था और नरेंद्र मोदी और सनी देओल के साथ दीप सिद्धू की तस्वीर के आधार पर उन्हें आरएसएस और बीजेपी का एजेंट भी कहा था। लेकिन दीप सिद्धू ऐसे सभी आरोपों को नकारते रहे हैं। अब 26 जनवरी के हिंसा के लिए दीप सिद्धू को मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इसके अलावा एक और नाम है लखा सिंह सिधाना। चलिए इन्हें भी बताते हैं कि लखा सिंह सिधाना आखिर कौन है। गैंगस्टर लखा सिंह सिधाना, पुलिस को इसकी भी तलाश है। आरोप है कि लखा सिंह सिधाना और उसके साथियों की सेंट्रल दिल्ली में हुए बवाल में भूमिका है। लखा पर पंजाब में हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती जैसे 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। लखा सिंह सिधाना जेल की हवा भी खा चुका है, लेकिन कई मामलों में सबूत न मिलने या गवाह न होने की वजह से वो बाहर आ जाता है। लंबे वक्त से गैंगस्टर लखा अपनी छवि बदलने में लगा है और खुद को सामाजिक कार्यकर्ता दिखाना चाहता है। इसके अलावा तीसरा शख्स जिसने लाल किले पर झंडा फहराया, आखिर ये लाल किले पर झंडा फहराने वाला शख्स कौन है? लाल किले पर झंडा फहराने वाले शख्स की पहचान सोशल मीडिया पर हुई है। जिस शख्स ने लाल किले पर तिरंगे की जगह दूसरा झंडा फहराया वो पंजाब के तरनतारण जिले का रहने वाला है। इस युवक का नाम जुगराज सिंह बताया जा रहा है। युवक के परिवार के लोग गर्व के साथ वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लेकिन अब पुलिस धीरे धीरे आरोपियों की पहचान कर रही है। लगातार FIR हो रही है। जैसे जैसे पहचान होती जाएगी वैसे वैसे दोषियों तक कानून का फंदा पहुंचता जाएगा।